आज हम बनारस की बहुत ही फेमस तिरंगी बर्फी बनाएंगे, लेकिन बिना मावा के बनाएंगे। और इसका मेन इंग्रेडिएंट चावल का आटा है, तो 2 बड़ा चम्मच चावल का आटा लेंगे और इसे हमें घोड़ना है। तो 1/2 कप दूध लेते हैं। दूध बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर का है, ना तो ठंडा है और ना ही गर्म है। तो इसका एक अच्छे से घोर बनाएंगे, इसमें लम्स नहीं होना चाहिए। और इसके बाद थोड़ा सा केसर हम भिगो के रख देंगे, जो कि बाद में बर्फ़ी में काम आएगा। तो 1 चम्मच दूध में ना 1 बड़ा चुटकी केसर डाल देते हैं अंदाज से ही, और तब तक केसर फूल के अच्छे से कलर इसमें आ जाएगा दूध में, तो फिर बाद में यूज़ हो जाएगा। साथ में थोड़ा सा काजू, बादाम और पिस्ता मैंने काट के रखा है। तो अब पैन की ओर चलते हैं और पैन में 1 कप पूरा दूध डालेंगे। दूध में हम 1/2 कप से थोड़ी सी कम शक्कर डालेंगे, 1/2 कप में 1-2 चम्मच कम थी। इसको उबलने देंगे और जैसे ही उबाल आएगा इसमें हम ये चावल और दूध वाला जो हमारा घोल है इसको डाल देंगे। बहुत फटाफट से दूध गाढ़ा होने लगेगा, तो इसको तुरंत चलाते रहेंगे। और जैसे ही इसमें उबाल आएगा हम इसमें मिल्क पाउडर डाल देंगे। तो मिल्क पाउडर मैंने 3/4 कप लिया है, और इसको डालने के बाद दूध तुरंत ही गाढ़ा होने लगेगा। तो लगातार चलाते रहें। और इसमें 2 बड़ा चम्मच के करीब ये डेसिकेटेड कोकोनट है, इसको डाल दें। और दूध लगभग अब ये तैयार है सेट होने के लिए। तो गैस बंद करके हम 1 चम्मच देसी घी डालेंगे और साथ में डालेंगे ये इलायची मैंने कूट के रखी थी। ये चेक करने के लिए एक प्लेट में ज़रा सा डालें, और वो अगर नहीं बह रहा है तो वो तैयार है। और एक इस तरह के डब्बे में मैंने फॉइल लगा के रखा है बर्फ़ी जमाने के लिए। और जितना हमारा मिक्सचर था उसको 3 भाग में डिवाइड करने के बाद 1 भाग में हम हरा कलर और पिस्ता ऐड करेंगे, और अच्छे से मिक्स करके इससे नीचे की लेयर बनाएंगे। और मिक्सचर डालने के बाद ना स्पैशुला को एक बार क्लीन कर लें, और उसमें थोड़ी सी घी लगा के इसको अच्छे से चिकना कर दें, तो बहुत आसानी से ये लेयर बन जाएगी। दूसरी वाइट लेयर रहेगी। तो जो मिक्सचर है उसको फिर से हाफ करते हैं, और जो 1/2 बचा है इसमें हम काजू ऐड करेंगे, और काजू ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने अलग अलग लेयर में अलग अलग ड्राई फ्रूट यूज़ किया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहें तो शुरू में ही सारे मेवे ऐड कर दें और बाद में फिर कलर के हिसाब से इसको सेट कर दें। तो फिर से स्पैचुला क्लीन करेंगे और इसको सेट कर लेंगे। और अब ऑरेंज कलर बनाने के लिए जो हमने केसर भिगो के रखी थी ना वो काम आएगी। तो केसर डालेंगे। केसर में से ना मैंने जो धागे थे इसके केसर के इसको अलग कर लिया है, बाद में ये गार्निश में काम आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं और केसर वाला दूध डाल देते हैं। फिर भी अगर कलर कम लग रहा हो तो 1-2 बूंद ये ऑरेंज कलर हम यूज़ कर सकते हैं। मैंने बस 2 बूंद ऑरेंज कलर डाला है, क्योंकि इससे केसरिया कलर ऑलरेडी आ चुका था केसर का, लेकिन थोड़ा येलोइश था। तो अब ये वाले इसमें हम बादाम डालेंगे और अच्छे से इसको भी मिक्स करेंगे। बस ये 2 बूंद ही कलर है, इससे बहुत अच्छा कलर आ गया था। और इसको भी सेट कर लेते हैं। फिर से स्पैचुला मैंने क्लीन किया और इसको भी स्मूथ कर दिया है। तो ऊपर से अब गार्निश करेंगे ये केसर के धागे और ड्राई फ्रूट से। ये तिरंगी बर्फ़ी बनके तैयार हो जाएगी। और बर्फ़ी थोड़ी सॉफ्ट थी, थोड़ा जैसे हलवा वगैरह होता है, कराची हलवा जैसे होता है, थोड़ा सॉफ्ट और घुई टाइप से। तो इसको हम एज ए हलवा भी सर्व कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, और क्योंकि 15 अगस्त आ रहा था तो मैंने इसको तिरंगी बर्फ़ी की तरह से बनाया है। अच्छे से सेट होने के बाद इसको डीमोल्ड करेंगे। मैंने 1/2 घंटा के लिए इसको फ्रिज में रख दिया था, और अच्छे से ये सेट हो गई है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी सॉफ्ट है। तो बस ये तिरंगी बर्फ़ी कट करते हैं और इन्जॉय करते हैं। आप यकीन करिए स्वाद इसका बहुत अच्छा आया था, बर्फ़ी से थोड़ा सा अलग, लेकिन बहुत ही मज़ेदार लग रहा था खाने में, और बहुत फटाफट से बन गई थी। तो एक बार रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं। थैंक यू।